क्या हाल चाल है सुरकार? तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बतानी है। बताओ बताओ ना। ऐमन खान को आप सब लोग जानते होंगे, पाकिस्तानी सेलिब्रिटी है भाई, ड्रामों में भी काफी आ चुकी है। और यहाँ पर एक खातून और है जिसका नाम है केली जेनर। आप लोगों ने केली जेनर का नाम नहीं सुना तो बता देता हूँ, केली जेनर एक अमेरिकन मॉडल है जिसके इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। तो केली जेनर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने नाश्ते की एक पिक्चर लगाई थी और भाई साहब ऐमन खान ने वो पिक्चर चुरा कर अपने इंस्टाग्राम पर लगा दी कि यार ये देखो मेरी पिक्चर है, मैं नाश्ता कर रही हूँ। कोई शर्म नहीं है भाई। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने हैं यार, देखो ना, मतलब थोड़ी अक्ल होनी चाहिए। मतलब ऐमन खान ने ऐसा कैसे सोच लिया कि यार मतलब किसी को पता नहीं चलेगा, मैं उसकी पिक्चर चुराऊंगी, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाऊंगी, ये देखो मैं नाश्ता कर रही हूँ। अबे मैंने बताया ना उसके इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है, तो इसने ये कैसे सोच लिया कि यार पाकिस्तान से उसका कोई फैन नहीं होगा। अबे लाखों फैन है पाकिस्तान से उसके, तो मतलब सबको पता तो चल ही जाना है, तो ऐसा चुतियापा करने का क्या फायदा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मिस्टर बैटरी के बारे में। मिस्टर बैटरी एक टिकटॉकर है। अब जाहिर सी बात है टिकटॉक से होगा तो चुतियापा तो लाजमी ही होगा। तो यार मतलब किसी ने मतलब इसने शायद खुद ये नाम रखा होगा मिस्टर बैटरी। यार मतलब काफी सही नाम रखा है, इसके नीचे एक बैटरी फिट होगी जो मतलब चलती है, तो तभी मतलब ये ऐसा मुंह बनाता है, ऐसी वीडियोस बनाता है। आप बात अपनी मर्जी से करते हो, आप बात अपनी मर्जी से करते हो, हम भी इतने पागल हैं आपकी मर्जी का इंतजार करते हैं। अच्छा हर बात वो अपनी मर्जी से ना करे तो क्या वो तुम्हारा नौकर है या तो वो तुम्हारे बाप का नौकर है? क्या तुम उसको दिहाड़ी देते हो या पगार देते हो? अजीब जाहिल हो यार। आयल आदमी तुमको किसने कहा है कि तुम उसकी मर्जी का इंतजार करो? अबे और कोई काम नहीं है क्या ये चुतिया पे करने के अलावा? और ये जो लास्ट में दो लाइन चुतिया पे वाली बोल कर ऐसे नाकाम क्यूट बनने की कोशिश कर रहे हो ना, तो बेटा ऐसी चपले बनेगी ना, ऐसी चपले बनेगी, तो याद रखोगे तुम। मैंने उसको कहा मेरी किस्मत बहुत बुरी है, कहती है तो शक्ल कौन सा अच्छी है। मैंने उसको कहा कि यार मेरी किस्मत बहुत बुरी है, तो उसने इसको कहा कि तुम्हारी शक्ल टट्टी जैसी है। कारोबार है बे, हर किस्म का कारोबार। हलीम का क्या किया बे तूने? तो मुझे बताओ तो सही बेचना, मैंने तो देख पे फातिहा पढ़ के बटवा दी। तेरी अम्मा का उर्स हो रही है ना। वेरी गुड जोक, दैट वाज फनी जोक एवर। एक बात बताओ, बंदे की शक्ल दिखने में भी अच्छी ना हो और मतलब ऐसी सुअरों वाले हरकतें करके और उसको बुरा बना देना, क्या फायदा है मेरे भाई? कुछ नहीं। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। चुप कर बे कुत्ते। साला कुछ तो बात है इस चेहरे में, यूं ही थोड़ी हर कोई लड़की इग्नोर करती है। वेल डन, पहली बार इसने वीडियो में सच बोला है। राठौड़, विक्रम राठौड़, मैं नहीं डरता, मौत डरती है मुझसे, मौत में इतना दम नहीं कि मेरे सामने आ सके। देखो यार उसका तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे एक चीज की जरूर याद आती है और वो चीज है टट्टी। और साफ नियत से मांगो ना मेरी जान, वो तो क्या उसकी सहेली भी मिल जाएगी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? देखना इस वीडियो पर 500 लाइक आएंगे, 500 लाइक ना आए ना तो मेरा नाम बदल कर शाहरुख खान रख देना। बाकी सब सही था, लेकिन ये तो आपकी थोड़ी नाक ज्यादा मतलब ऐसे ऐसे हो रही है ना, प्लीज इसको थोड़ा कंट्रोल में रखें तो अच्छा होगा, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। True.
बस गाइस वीडियो सिर्फ यहीं तक थी। वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ मेरे भाइयों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।